खबर दिन भर में हम चेक दूंगी। चलिए रुक करते हैं दिन भर की बड़ी खबर। मंगलवार को जेकेजे ज्वेलर ग्रुप के कई ठिकानों पर इनकम टैक्स की टीम ने एक साथ रेड मारी। जानकारी के मुताबिक सिर्फ राजधानी जयपुर में ही इस वक्त 13 ठिकानों पर रेड चल रही है, जबकि कोलकाता में 4 और दिल्ली के 3 ठिकानों पर आयकर विभाग के अधिकारी कार्रवाई कर रहे हैं। राजस्थान के कोटा में एक और कोचिंग स्टूडेंट ने सुसाइड कर लिया। वह नीट की तैयारी कर रहा था, छात्र का शव कंधे से लटका मिला। वह प्रदेश के धौलपुर जिले का रहने वाला था। इस साल अब तक 9 कोचिंग छात्र सुसाइड कर चुके हैं। 27 अप्रैल को निर्दलीय प्रत्याशी रविंद्र सिंह भाटी अपने समर्थकों और उनकी गाड़ियों को पुलिस हिरासत से छुड़वाने के लिए बालोतरा एसपी कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गए थे। अब 2 दिन बाद पुलिस ने रविंद्र सिंह भाटी समेत 32 अन्य के खिलाफ राजकार्य में बाधा, हाईवे जाम, धारा 144 का उल्लंघन का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज किया है। मामले की जाँच CID CB को सौंपी गई है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कोचिंग करने वाले छात्रों के सुसाइड को लेकर बयान दिया। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि कोचिंग करने वाले छात्रों के सुसाइड के लिए केवल संस्थानों को दोषी नहीं ठहराया जाना चाहिए, क्योंकि उनके माता पिता और मित्र मंडली भी सुसाइड मामले में योगदान करते हैं। सुनिए दिलावर ने क्या कुछ कहा। संगत भी दोषी है, कई बार गलत संगत में पड़ जाते हैं, फिर वो विफल हो जाते हैं प्यार प्रेम में, वो भी एक कारण होता है। केवल सब सुसाइड का कारण कोचिंग ही है, ऐसा मैं नहीं मानता। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से जेल में मुलाकात की। केजरीवाल से मुलाकात के बाद भगवंत मान ने कहा कि उनसे कई मुद्दों पर बात हुई। पंजाब के सरकारी स्कूल और मंडी में फसल के बारे में अरविंद केजरीवाल को जानकारी दी। अरविंद केजरीवाल ने कहा, बच्चों को मेरी तरफ से बधाई देना। IIM प्रमुख और हैदराबाद से पार्टी उम्मीदवार असदुद्दीन ओवैसी ने सांसद प्रज्वल रेवन्ना से जुड़े अश्लील वीडियो पर क्या कुछ कहा, सुनिए। अब ये प्रज्वल रेवन्ना ने क्या किया मैं आपको बताता हूं। प्रज्वल रेवन्ना ने उन्होंने 2000 वीडियो बनाए। किसके वीडियो बनाए? उनके घर में काम करने वाली औरत का वीडियो, जिसको जिंसी इस्तेसाल बोलते हैं। 2000 वीडियो घर में काम करने वाली एक 70 साल की बूढ़ी, उसका वीडियो बनाया। उसमें पुलिस में कोई ऑफिसर है उसका वीडियो, कोई टीवी के एंकर है उनका वीडियो, कोई गवर्नमेंट के ट्रांसफर के लिए आए आप उनका वीडियो बना लिए। 2000 वीडियो उसके ये उम्मीदवार इसने अपने वीडियो बनाए, यानी औरतों से इस तरह से उसने उनकी जिंदगी बर्बाद कर दी इस कमीने ने। अब आप बताइए, उस शख्स के लिए नरेंद्र मोदी जाके वोट मांगे? नरेंद्र मोदी उस शख्स के लिए जाके वोट मांगा है और हमको बोल रहा है कि मंगलसूत्र निकाल के हमको हम हिंदू बहनों से मुसलमानों को दिया जाएगा? नरेंद्र मोदी, आप भूल गए कि जिस शख्स के लिए आपने वोट पूछ रहे हैं उसने 2000 ऐसे गंदे वीडियो बनाए। गृह मंत्री अमित शाह ने डीपफेक वीडियो के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरा है। अमित शाह ने कहा, फेक वीडियो बनाकर फैलाया है कांग्रेस, जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही है और कांग्रेस ने फेक नैरेटिव फैलाया है। अमित शाह बोले, ऐसी घटनाओं पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और कांग्रेस ने कर्नाटक टेप कांड पर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं की? त्रिपुरा के मतदान अधिकारी को थप्पड़ मारने के आरोप में बीजेपी नेता को गिरफ्तार किया गया है। बीजेपी नेता ने मतदान अधिकारी को थप्पड़ मारने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर भी जमकर वायरल हो रहा था, जिसके बाद कार्रवाई की गई है। यौन शोषण मामले में नाम आने पर लोकसभा सांसद प्रज्वल रेवन्ना को JDS ने सस्पेंड कर दिया। पार्टी की कोर कमेटी की बैठक में फैसला लिया गया। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने आज ही कहा था कि इस मामले में JDS को सख्त कदम उठाना चाहिए। ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका कोविड वैक्सीन को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई। इसे बनाने वाली एस्ट्राजेनेका ने यूके हाईकोर्ट में दिए गए अपने दस्तावेज में पहली बार माना है कि उसकी कोविड-19 वैक्सीन से TTS जैसे साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। बता दें, एस्ट्राजेनेका वैक्सीन को कई देश में कोविशील्ड के नाम से बेचा गया था। TTS शरीर में खून के धक्के जमाने की वजह बनती है। ये थी दिन भर की तमाम खबरें। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए शुक्रिया।